वेनेजुएला की आग, कारबोबो पुलिस स्टेशन की कोशिकाओं में 68 लोग मारे गए। कराबो राज्य में वेनेजुएला के वालेंसिया शहर में पुलिस थाने पर दंगे और आग लगाई गई, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई है, सरकारी अधिकारी कहते हैं। मुख्य राज्य अभियोजक तारक साहब ने कहा कि जो कुछ हुआ है उसकी जांच तुरंत शुरू हो जाएगी। बुधवार को बाहर तोड़ने के प्रयास में कैदियों ने गद्दे की आग लगा दी। पुलिस ने रिश्तेदारों को फैलाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जो आग की खबर के बाद स्टेशन से घिरा हुआ था। राज्य आधिकारिक यीशु सेंट एंडर ने पुष्टि की कि एक पुलिस अधिकारी को ज्वाला के बाद गोली मार दी गई थी, जिसे नियंत्रण में लाया गया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद कैराबोबो राज्य शोक में था, यहाँ तक कि वेनेजुएला के जेल मानकों के द्वारा, जहाँ दुनिया में स्थितियों में सबसे खराब स्थिति है, यह विनाशकारी परिणामों के साथ एक बड़ी आग थी। समाचार पत्र के लिए बेताब परिवार वेलेनिया में सुविधा के बाहर इकट्ठे हुए। केवल पुलिस द्वारा बदनाम करने के लिए जो भीड़ पर आंसू गैस निकाल दिए थे। अंदर कई कैदियों को मार डाला गया था, कई धूम्रपान सांस लेना से। इस स्तर पर आधिकारिक संस्करण का सुझाव है कि आग जानबूझकर शुरू हुई, क्योंकि दंगा पकड़ लिया गया था। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की सरकार ने कहा है कि पूरी जांच तुरंत शुरू हो जाएगी। हालांकि बाहर के प्रियजनों के लिए यह दुख और पीड़ा का समय है। अधिकारियों से बहुत कम स्पष्टीकरण दिए गए हैं और मृतकों की संख्या के रूप में आंकड़े बढ़ा रहे हैं। पिछले एक दशक में वेनेजुएला की जेल में कई गंभीर आग और दंग रह गए हैं। हालांकि मानवाधिकार एनजीओ का कहना है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की जेल व्यवस्था में भारी भरकम और अमानवीय परिस्थितियों को देखते हुए इस परिमाण की त्रासदी कभी दूर नहीं थी। वेनेजुएला की जेलों को कुप्रसिद्ध रूप से घबराया गया है, हिंसा और घातक दंगे आम हैं। चल रहे आर्थिक संकट के बीच देश को अपने कैदियों को समायोजित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे एलेक्जेंचर सुविधाओं जैसे कि वेलेनिया में एक का इस्तेमाल किया जाता है। कार्लोस नेटो संघ के प्रमुख उना वेंटाना एक ला लिबर्टाद ए विंडो ऑन फ्रीडम का कहना है कि कुछ पुलिस सुविधाओं की क्षमता 5 गुना ज्यादा है। कैराबोबो में एक अलग जेल में पिछले महीने कैदियों ने कई कैदियों और गार्ड को एक और दंगा में बंधक बनाया।